हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलो देख लो, मैंने आप लोगों को जो कल वीडियो बना के सेंड किया हुआ था उसका कुछ एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट कर लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा टारगेट वगैरह अचीव हुआ कि नहीं। देखो, कल मैंने बैंक निफ्टी का आपको ये चार्ट ड्रॉ करके सेंड किया हुआ था, वीडियो बना के सेंड किया हुआ था। कल था 30 जुलाई, 30 जुलाई था, ठीक है। तो मैंने आप लोग क्लियर बोला हुआ था कि देखो ये वाला आप लोग को ड्रॉ करके सेंड किया होता है, यदि यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होता है, इसके नियर बाय ओपन होता है, इस लाइन के नीचे ओपन होता है। देखो ऐसा नहीं कि ये क्या है, ये भी आपको एक रेसिस्टेंस का काम करता है, नीचे सपोर्ट का काम करता है ये वाला, ठीक है ना। बट देखो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ एक सिंगल कैंडल, देखो ये वाला ओपन हुआ, यहाँ पे हमने वेट किया। मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था वेट फॉर सेफ मूवमेंट, सेफ मूवमेंट के लिए आप लोग वेट करो देन ट्रेड करना, ठीक है ना। और यहाँ तक आया बैंक निफ्टी, फर्स्ट कैंडल यहाँ तक आया, ठीक है ना, इसको टच नहीं किया। अब और यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यू अप मूव दिया, देखो अप मूव दिया ना, यहाँ से वन कैंडल, एक दो तीन चार, चार कैंडल अप मूव दिया, बट इसको ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक करता तो आपको ये वाला लेवल 51,000 का आप लोगों को लेवल देखने को मिल सकता था, ठीक है। बट इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया और यहाँ से अप मूव दिया। देखो और ये वाला जो लाइन है इसको ब्रेक कब किया, क्लियर ब्रेक कब किया आप लोग चेक करना। यहाँ पे एक कैंडल बना, सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये वाला जो लाइन है ऐसे आधा तिरछा, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ अभी। फिर इसको देखो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम टच किया, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ कि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल ऊपर और यहाँ से कंटिन्यू अप मूव दिया। आप लोग चेक कर सकते, चेक करो आप लोग, यहाँ पे देखो ब्रेक किया ना, यहाँ से कंटिन्यू अप मूव दिया। यहाँ पे देखो साइडवेज भी हुआ, मार्केट साइडवेज भी हुआ, बट हमने जो टारगेट बताया हुआ था आपको 52,000 का टारगेट जो बताया हुआ था उसको टच किया है। फर्स्ट टारगेट हमारा जो था इसको टच किया है, टच करने के बाद वापस आया है, ठीक है। मैं क्लियर बोलता हूँ, जो भी ट्रेड करते हो ना इस सब लेवल के, इस सब पॉइंट के पास ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक करके एसएल नियर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया करो, ताकि आपका लॉस ना हो। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, ठीक है, ये फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस तरीके से करोगे ना तो आपका लॉस कम होगा, ठीक है। देखो यहाँ से डाउन आ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अप गया और इस लाइन को ब्रेक किया, अभी नीचे है। चलो ठीक है, देख लेते हैं 31 जुलाई को मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, हमें कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉस होगा, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आप लोग को सारा बता देता हूँ। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर आँख बंद के भरोसा करना। देखो ठीक है, मेरा टारगेट अचीव होता है, बट आपके जो एडवाइजर है आप उससे एडवाइस लो, ट्रेड करो, बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ये क्या मूवमेंट रहता है कल 31 जुलाई को। देखो ये अभी बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे है 51,388 के पास है, ठीक है। कल का मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि इस तरीके से मार्केट मूव करे, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा वेट करना है, ठीक है। जब तक 51,200 ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें वेट करना है। यदि ट्रेड लेना चाहते हो, छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। मार्केट टाइम एक्सपेंड करेगा, 51,200 को ब्रेक करता है तो आपको 50,800 का आप लोगों को लेवल देखने को मिल सकता है कल मार्केट में। ये लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यहाँ पे सपोर्ट है। और देखो 51,600 यदि ब्रेक करता है, 51,600 के पास ओपन करता है सिंगल कैंडल में, यदि आप लोगों को इधर भी देखो देखना पड़े ना, मार्केट ओपन होते हुए दिखे ना, तो देखो उसका कोई ये नहीं रहेगा कि क्या है किस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी रेसिस्टेंस यही है, बट यदि छोटा गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना, 51,600 के पास ओपन होता है तो इसको ब्रेक होने का वेट करना, तो आपको 52,000 का मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड। बट उम्मीद नहीं है कि मार्केट कल निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको अप मूव देखने को मिलेगा। मेरा व्यू है कि आपको डाउन मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार रिजेक्शन ले रहा है। देखो इस लाइन को टच करके बार बार रिजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यू देखो ये भी यहाँ से रिजेक्ट हुआ ना, वन टाइम टू टाइम, ये अब अच्छा खासा लंबा लंबा कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, यहाँ से भी कंटिन्यू वन टाइम टू टाइम थ्री, तीन कैंडल बनाया है रेड, ठीक है। और इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है आप लोग जाके हमारे यूट्यूब पे चेक कर लेना, मैं आपको लाइव क्लासेस वगैरह में बताया हूँ कि क्या बोला जाता है, ये कैंडल बनता है तो क्या मूवमेंट हो सकता है, ये सारा मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये लेवल 51,600 ब्रेक होता है, अपसाइड ब्रेक होता है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होता है ना, तो आपको एक 52,000 का मूव देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर फिर से वापस यहाँ पे नीचे आ सकता है, 51,200 के पास आ सकता है, ठीक है ना। तो इस बीच में हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और देखो यहाँ पे आया तो फिर कुछ ना कुछ अपना लॉट बुक कर
करना, प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से सेकंड टारगेट जो बनेगा 50 to 400 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, नीचे का मैंने बता दिया, ये ब्रेक करता है तो ये लेवल हमारा होगा, ये ब्रेक इस लेवल को टच करता है तो ब्रेक होता है, तो 52,000 का टारगेट, टारगेट सेकंड टारगेट 52,400 का हो सकता है कि इस पॉइंट को टच करे मार्केट। ठीक है ना, ये रहा बैंक निफ्टी। अब देखते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट होता है। देखो निफ्टी में जो हमारा व्यू है, निफ्टी अभी है नियर बाय 50,24,800 के नियर बाय। ठीक है ना, 24,839.40 के पास है अभी। निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन ओपन होता है, छोटा सा ये 40-60 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, 24,800 के नियर बाय ओपन होता है, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करेगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद अप मूव देता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ठीक है, डबल फर्स्ट कैंडल एक बनेगा, सेकंड कैंडल ब्रेक होगा ना, क्लोज होगा उस कैंडल के ऊपर में, तो ठीक है। उसके बाद अपसाइड आप हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और हमारा टारगेट जो हो सकता है 25,000 का हो सकता है। ये जो बार बार देखो यहाँ से बार बार क्या हो रहा है, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, ठीक है ना, तो ये रेसिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है ना, यहाँ पे आके टच कर सकता है, बट इसको ब्रेक तभी करेगा। ठीक है ना, इसके ऊपर हमें तभी ट्रेड लेना है जब इसको ब्रेक करेगा, टाइम रिट्रेस करेगा, देन हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड लेंगे तो 25,200, 25,300 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। बट देखो सिंगल कैंडल पे ब्रेक किया, एक दो कैंडल यहाँ पे बन रहा है साइड बेस, तो यहाँ से मार्केट फिर से गिर जाएगा, यहाँ से फिर से गिर जाएगा, 24,800 के पास आके मार्केट साइड बेस हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमारा व्यू यही है, गैप डाउन भी ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर गिर सकता है मार्केट। ठीक है ना, यदि गैप अप ओपन होता है तो 25,000 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करना, ये ब्रेक होगा अच्छा खासा, जैसे मैं बताया उस तरीके से ब्रेक होता है तो अच्छा खासा आपको अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। चलो बात करते हैं 24,800 ब्रेक होता है तो क्या होगा, 24,800 ब्रेक होता है 24,600 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 24,600 ब्रेक होता है तो 24,500 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ये चीज 100% कुछ नहीं होता मार्केट। ठीक है, तो जो भी ट्रेड कर रहे हो ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, और हाँ जो भी ये हमारा क्या है कि देखो जो भी पर्सन हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट लाइव मार्केट में क्या होता है, चेंज होता है, कुछ कुछ पॉइंट क्या होता है लाइव मार्केट में चेंज होता है, तो वो मैं क्या करता हूँ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, आप लोग प्रॉफिट में रहे। अभी जितने भी पर्सन अपना कैपिटल गंवा रहे हैं, अपने कमाई का जो अच्छा खासा पूंजी है वो गंवा रहे हैं, प्लीज उसके लिए मैं क्या करता हूँ आप लोगों को गाइड कर देता है टेलीग्राम पे, ताकि आप लोगों का कैपिटल जो है वो सेफ रहे, लॉस में ना जाए। ठीक है, तो जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे देखो हर चीज, वीडियो भी देता हूँ, चार्ट वगैरह ड्रॉ करके भी सेंड करता हूँ, जो भी मार्केट में चेंज होता है वो भी सेंड कर देता हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो जो भी पर्सन नहीं ज्वाइन किया प्लीज जाके ज्वाइन कर, एंड वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ जो भी ट्रेड करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।